जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का क्रेज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ रही है कि सुरक्षित कर देती है। तो आज के स्टूडियो में हम ऐसी कार के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भाई विदाउट ड्राइवर वर्क करती है। यस फ्रेंड्स, विदाउट ड्राइवर वो जो है भाई चलती है, एंड आपको जो है आपको जहां पर भी जाना होता है बस आपको भाई लोकेशन बतानी होती है, एंड वो कार जो है सही सलामत रूप से आपको पहुंचा देती है। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो कार है ये टेस्ला कंपनी द्वारा क्रिएट करी है। अब टेस्ला कंपनी को तो आप जानते होंगे क्योंकि दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क की ये कंपनी है, एंड भाई ये जो है हर चीज में नंबर वन पे ही रहती है। तो आज के स्टूडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये कंपनी जो है वो कैसे इस टाइप की जो कार्स होती है उनको क्रिएट करती है, उनके अंदर ऐसा कौन सा फीचर होता है जिससे ये कार जो है ऑपरेट होती है ऑटोमेटिक सिस्टम से। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो लास्ट तक बने रहो, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। स्टार्ट विद आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, एनी स्टॉप टाइम लेट्स। तो गाइस 2016 के बाद से जितनी भी टेस्ला ने कार्स बनाई है उसके अंदर एक फीचर ऐड करा है जिसे गाइस ऑटो पायलट का नाम दिया गया है, यानी कि आप जो है एक्स्ट्रा पैसे देकर इस फीचर को ऐड कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे गाइस ऑटो ब्रेक्स मिलते हैं, पार्किंग सिस्टम मिलता है। इसके अंदर जो है आपकी कार ऑटोमेटिकली जो है अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो उसमें आप जो है ऑटोमेटिकली कार जो है वो ट्रैक करेगी कि आगे कितनी कार्स है, एंड उसके हिसाब से वो जो जहां पर भी खाली स्पेस होगा उस हिसाब से वो निकल के चली जाएगी। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे फीचर्स इनमें ऐड करे। तो यहां पर जो ये जो फीचर है कैसे वर्क करते हैं, कैसे ये जो कार है वो वर्क करती है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस कार के अंदर 8 सेंसर्स लगाए गए हैं चारों तरफ से, जिससे क्या होता है कि अगर जो है कोई सी भी कार उसके पास में आती है तो उस कंडीशन में इसके अंदर जो है अलर्ट्स आ जाता है, जो कि भाई जो बंदा ड्राइव कर रहा होता है उसके पास में अलर्ट आ जाता है कि आपकी जो कार है उसके पास में कार आ चुकी है। इसके साथ में जो है इसके अंदर अगर जो है आप कहीं अनकंट्रोलेबल चल रहे हो, ठीक है, और उस कंडीशन में जो है आपने ऐसे मतलब ऑटो पायलट सिस्टम ऑन कर रखा है, तो यहां पर जो है अगर कोई भी कंडीशन आती है तो उसमें यहां पर जो कुछ सेंसर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई ह्यूमन भी आ जाए, कोई एनिमल भी आ जाए, तो उस कंडीशन में यहां पर जो ऑटो ब्रेक्स लग जाते हैं, यानी कि भाई उस कंडीशन में भी आपकी जो कार है वो नहीं टकराती। तो जो है ये जो कार है इसके अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो कार है मतलब अगर आप सो भी जाते हो उस कंडीशन में भी आपको जहां पर आपको जाना है वहां पर पहुंचा देगी। सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर 8 आगे पीछे और दाएं बाएं सेंसर्स लगे होते हैं जिससे ये गाड़ी जो है अपने आप को कंट्रोल करती है। इसके साथ फ्रेंड्स इसके अंदर एक फॉरवर्ड लुकिंग रेडार भी लगा हुआ है जिससे फ्रेंड्स ये जो कार है वो 160 मीटर आगे तक देख सकती है। उसके बाद में जो है मतलब महसूस कर सकती है कि आगे कार आ रही है और ऑटोमेटिकली ये जो है भाई उसको जो है साइड दे सकती है, यानी कि अगर आगे से कोई कार आ जाए एकदम से तो उस कंडीशन में 160 मीटर तक में ये जो है देख सकती है और उसके अंदर से ये जो है भाई अपनी ऑटोमेटिक से इसको कंट्रोल कर सकती है, मतलब अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकती है। एंड फ्रेंड्स इसके अंदर जो है एक सोनर सेंसर भी लगा हुआ है जिसकी मदद से गाइस जो है अगर कोई ह्यूमन या कोई भी एनिमल इसके पास में आता है तो उस कंडीशन में ये जो है उनको डेडिकेट कर देती है, एंड भाई हमें यहाँ पर चेतावनी भी दे देती है। और अगर बाई चांस जो है हमने इसके ऊपर यानी कि जो ऑटो पायलट है उस मोड पर लगा रखा है कार को तो उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली ब्रेक्स भी लगा देती है। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि ये कैसे जो पता लगाती है कि हमें कहां पर जाना है तो इसके अंदर गाइस जो है जीपीएस ट्रैक सिस्टम भी होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जीपीएस के थ्रू यहां पर जो है मैप होता है उसके थ्रू यहां पर ये जो है आपकी जो लोकेशन आप देते हो वहां पर ये जो है आपको पहुंचा देती है। यानी गाइस इसे जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखकर बनाया गया है, यानी कि हर एक पॉइंट पर बहुत ही ज्यादा बारीकी से वर्क किया गया है। इसी के साथ इसमें जो है बहुत बार सवाल भी उठे हैं क्योंकि बहुत बार ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जो कि जिनमें ये चीज पता नहीं लगी है कि उसने जो ऑटो पायलट मोड्स पर लगा रखा था या नहीं लगा रहा था कार तो, बट लेकिन गाइस यहां से कुछ एक्सीडेंट भी हुए हैं। उसी के साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत लोगों की इसने जान भी बचाई है। एक बार गाइस ये घटना सामने आई जिसके अंदर से क्या होता है कि जो बंदा था उसने ऑटो पायलट मोड पे लगा रखी थी एंड उसने शराब पी रखी थी पहले उसने, तो उसने जो कार चला था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई एंड उसने ऑटो पायलट मोड पे लगा दी, उससे जो है ऑटोमेटिकली उसके अंदर ब्रेक लग चुके थे, तो उससे यहाँ पर जो है वहां पर उस आदमी की जान भी बच गई। तो कहीं ना कहीं पर इसका फायदा भी हुआ है। वैसे इसके ऊपर काफी सारे सवाल भी उठे हैं कि बहुत बार ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं और काफी लोगों ने ऐसा दावा किया है कि उनकी हेल्प भी इसे हुई है। वैसे फ्रेंड्स आप में से कौन कौन इस टाइप की कार को परचेस करना चाहता है एंड कौन कौन चाहता है कि इंडिया में बहुत जल्द ऐसी कार आ जाए, वीडियो पर कमेंट जरूर से करना एंड कमेंट करके बताना ये सब चीज है। एंड वीडियो चला दोस्तों प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियो के साथ वापस। बाय एंड टेक केयर।